नमस्कार, सोना न्यूज में आपका स्वागत है। बेड़ो प्रखंड के महादानी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में CDS बिपिन रावत एवं मधुलिका रावत सहित 11 साथी के हवाई दुर्घटना में शहीद होने पर पूरे देश के साथ साथ आज बेड़ो में भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, हिंदू जागरण मंच, एकल विद्यालय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आदि के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सर्वप्रथम शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए दीप जलाया गया। वहीं देश के जांबाज योद्धाओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस श्रद्धांजलि सभा में बेड़ो प्रखंड के 2 जांबाज सैनिक जिन्हें बिपिन रावत जी का सानिध्य प्राप्त था, जो इन्हें करीब से जानते थे, पहचानते थे, जिनसे हाथ भी मिलाया था, जिन्हें रावत सर ने गले से लगाया था, वैसे भारत माता के सपूत मुन्ना उरांव तुक्को और सुनील उरांव बंटोली भी उपस्थित थे। साथ ही साथ हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री बानी कुमार राय, भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी SP साहू, भारत स्वाभिमान के प्रखंड प्रभारी मुकेश कुमार राय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विकास कुमार सिंह, एकल विद्यालय संच प्रमुख डॉक्टर रमेश प्रसाद गुप्ता, भीखा उरांव, सुरेश महतो, आनंद साहू, साधन कुमार राय, पंकज शर्मा, उमेश मेहता, राज राय, अशोक पंडा सहित काफी लोग मौजूद थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। उसी तरह राजस्थान में पानी का कमी, वहाँ भी अभी राजस्थान को इतना सुधार ले आया, चाहे राजस्थान सरकार ने लाया या तो बिपिन रावत साहब के द्वारा आया, अभी वहाँ भी पानी का कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी सारा सुविधा हो गया। सेना में जो सुधार या सुविधाएं होती है सरकार का नहीं है, वो केवल सेना ही करती है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में सेना है, इसलिए राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं है या झारखंड बिहार सरकार की बात नहीं है। सेना का जो विषय आता है वो केवल केंद्र सरकार।